नमस्कार, माँ गोमती फिजियोथेरेपी में आपका फिर से स्वागत है। मैं एक वीडियो और आपके लिए लेके आया हूँ और आज हमारे साथ एक नए पेशेंट हैं और हमारे आदरणीय अंकल जी भी हैं और उन्हीं की भाषा में उनसे कुछ प्रश्न पूछूंगा आपके लिए और जानने का प्रयास करेंगे कि फिजियोथेरेपी कितनी कारगर है कमर की तकलीफ के लिए और बिना दवाई के भी ठीक हो सकती है या नहीं। तो सबसे पहले तो अंकल जी प्रणाम, नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंकल जी, सबसे पहले आप अपना एक सूक्ष्म परिचय दीजिए कि आप कहाँ से हैं और क्या नाम है आपका। मेरा नाम जगदीश श्रीवास्तव है, मैं टीचर था, रिटायर्ड हो गया हूँ, तालापुरा का रहने वाला हूँ। बहुत बढ़िया अंकल जी। अंकल जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि आपको तकलीफ क्या थी जब आप मेरे पास आए? तो मुझे 2-3 महीने से कमर में दर्द हो रहा था जी, और उठने में बहुत तकलीफ होती थी जो करीब 8 घंटे तक रहती थी। उसके बाद धीरे धीरे सही होने लगती थी। उसके बाद मैं जो है सोचा कि जो दिखाएं, तो आपके पास पहुंचा। जी, दिखाया, आपने कहा थेरेपी करा ले। जी, बढ़िया। अच्छा अंकल जी, कितने दिन हो गए आपको यहाँ आते आते? ये 15 दिन हो गए हैं यहाँ आते। इन 15 दिनों में बिल्कुल ईमानदारी से आप बताइए कि क्या स्टेटस है आपकी तकलीफ का? मुझे काफ़ी आराम है, करीब अब मतलब 85-90% करीब मुझे पूर्ण आराम हो गया है। सुबह से उठने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है जी, खूब चलते फिरते हैं जी। अच्छा, यहाँ जैसे फिजियोथेरेपी के लिए आए तो हर जगह की कुछ विशेषताएं होती हैं, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बताएं कि यहाँ किस तरीके से फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट किया जाता है। सबसे पहले तो यहाँ आगे यहाँ की साफ सफाई बहुत अच्छी है, योगा कराया जाता है, यहाँ के स्टाफ बहुत अच्छा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। ठीक है अंकल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और फिर से मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।